हेलो दोस्त, मैं हूँ आदर्श विजयविंद, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सफाई इटावा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSJEM कानपुर यूनिवर्सिटी में जो डी फार्मा और बी फार्मा के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो अप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ साथ हम बताएंगे इसमें अगर आप डी फार्मा करके बी फार्मा करना चाहते हैं तो भी एडमिशन हो सकते हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, सारी जानकारी मैं इसमें बताऊंगा। आपके एलिजिबिलिटी एग्जाम कैसे देना है, कैसे फॉर्म भरना, सब कुछ जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहना वीडियो पर लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में भी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर मैं ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करिए, वहाँ पर मैसेज करिए, आपको हम जरूर से जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी अपडेट मैं देता रहता हूँ। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एडमिशन इन बी फार्मा एंड डी फार्मा, ठीक है। एडमिशन फार्मा उस प्रोस्पेक्टस को आप दिखा देते हैं आपको, तो वहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सारी जानकारी के फॉर्म कैसे, कितना रुपए लग रहा है, ST, ST, OBC एंड जनरल के लिए सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। आने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन 2022 और 23, यहाँ पर देख सकते हैं 2022 और 23 के लिए है। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है 31/5 से स्टार्ट हुआ है, जो लास्ट डेट है 30/6 है, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे जो आपका एंट्रेंस होगा वो आपको नेक्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका होना है, वो आपको अपडेट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें जो अप्लीकेशन फॉर्म फीस है 1250 रुपये है OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए, बट ST कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है अप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे, हाँ डी फार्मा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोड ऑफ एडमिशन, फीस, सीट अवेलेबल, तो यहाँ पर कुछ सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले हम बताएंगे डी फार्मा का। डी फार्मा का जो है 10+2 होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैथमेटिक्स, या बायोलॉजी से हो या मैथ से हो, दोनों काम चलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट होगा कंडक्टेड बाई CSJEM यूनिवर्सिटी कानपुर, ठीक है। 1 लाख पर ईयर फीस है डिप्लोमा के लिए, ठीक है। सीट कितनी है, 60 सीट है, जिनमें से 6 सीट EWS की है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें बी फार्मा की, तो यहाँ पर बी फार्मा को बताएंगे सेम है, 10+2 एग्जामिनेशन है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी दोनों होना चाहिए, तो आपको एडमिशन आप ले सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसकी फीस है 1,10,000 रुपये, ठीक है। 1,10,000 रुपये, इसमें भी 60 सीट है, 6 सीट EWS की है, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं हम कि बी फार्मा अगर लेटरल इंट्री आप बी फार्मा करना चाहते हैं लेटरल इंट्री के थ्रू, तो 6 सीट हैं आप ले सकते हैं। अगर आप डी फार्मा किए हुए हैं तो डी फार्मा के बाद आप बी फार्मा करना चाहते हो, डायरेक्ट आपको जो है लेटरल इंट्री मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए पास इन डी फार्मा कोर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ एम फार्मा देखिए, एम फार्मा स्पेशलाइजेशन की जो ब्रांचेज हैं यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरिट बेस पे होता है ये, 89,200 रुपी है पर ईयर, ठीक है। यहाँ 15-15 सीटें हैं, इसमें फार्माकोलॉजी में 10 सीटें हैं। इसके अलावा आपको बता दें जो एग्ज़ाम होने वाला है बी फार्मा डी फार्मा का, वो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम होगा, ठीक है। पेपर दोनों में मीडियम में आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। और बाकी जानकारी आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेना है, अगर नहीं आपको पता है, बाकी जो फॉर्म फिल करना है वो आपको फॉर्म आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्म फिल कैसे होगा उसकी जानकारी, बट अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें इस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर ज़रूर हमें कमेंट करें वीडियो में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा आपके लिए, ठीक है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, शेयर कर दो, हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं CSJEM यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपके लिए जो आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच आज के लिए।